हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोज है। आप पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप उस वीडियो को भी देखिए और इसके बाद आगे वाले वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा, चीज़ें समझ में आएगी जल्दी। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन हम लोग देखते हैं। कुछ सिंबल हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं, तो वो सिंबल के बारे में हम लोग देखते हैं। इफ जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, सपोज कर रहे हैं कि जेड जो है वो एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, बी ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन वी शैल यूज द फॉलोइंग नोटेशन। ध्यान दीजिएगा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर फंक्शन है तब ये नोटेशन यूज करते हैं। डेल जेड बाय डेल एक्स को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई को क्यू से डिनोट करते हैं, डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर को आर से डिनोट करते हैं, डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई को एस से डिनोट करते हैं और डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर को टी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सभी नोटेशन यूज करते हैं, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन दिया हुआ है वो कैसा रिलेशन है। यहाँ दो चीजें हो सकती है, वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन होगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूड होगा। जैसे सपोज करते हैं एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इक्वल टू जेड, सपोज कीजिए ये एक रिलेशन दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन में आप देख रहे हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हम लोग को आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करके फॉर्म करना रहता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और किसी में हो सकता है आर्बिट्ररी फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड, सपोज करते हैं ये। तो यहां पर एफ जो है वो आर्बिट्ररी फंक्शन है। दो चीजें हो सकती है, रिलेशन के बीच वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूड हो सकता है, या वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन है उसमें आर्बिट्ररी फंक्शन इंक्लूड हो सकता है, एफ इज ए आर्बिट्ररी फंक्शन। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूड रहे तो इसको फॉर्म करने का अलग तरीका है, और अगर आर्बिट्ररी फंक्शन इंक्लूड रहे तो इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका अलग होता है। तो दो चीजें यहां पर है, एक फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो एक एक करके हम लोग दोनों का कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं पहले हम लोग इसको देखते हैं, बाद में हम लोग फिर इसको देखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फॉर्म ये पार्शियल, तो मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूं, फॉर्म ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ए और बी जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इस ए और बी को एलिमिनेट करके हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी,
ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या, पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जेड इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो हम लोग जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, दो कॉन्स्टेंट है यहाँ, तो दो बार हम लोग एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, तो वाई कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा, तो ये पूरा एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आप इसको पहले लिख जाइए, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये x का फंक्शन है, तो x स्क्वायर का 2x, एक कांस्टेंट है इसका जीरो हो गया। डेल जेड बाय डेल एक्स को हम लोग p से डिनोट करते हैं, p इक्वल टू 2x इनटू y स्क्वायर प्लस b। अब y स्क्वायर प्लस b का भाग निकाल लीजिए यहां से, तो y स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा p डिवाइडेड बाय 2x, इसको नंबर 2 कर देते हैं। फिर इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, एक्स जो है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2y b का 0, डेल जेड बाय डेल वाई को हम लोग q से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 2y * x स्क्वायर प्लस a। 2y को आप इधर डिवाइड कर दीजिए, यहां से x स्क्वायर प्लस a का भाग निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाय 2y, ये नंबर 3 कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है, a और b को इलिमिनेट करना है, तो आप ऐसा कीजिए x स्क्वायर प्लस a का वैल्यू पुट कर देते हैं और y स्क्वायर प्लस b का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, a और b ये दोनों कांस्टेंट इलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं इसको, from first, second and third we get, आप ऐसा कीजिए first में z equal to x square plus a का value put करते हैं, जिसका value x square plus a का value हम लोग निकाले हुए हैं, ये q divided by 2y है, और into y square plus b का value put करते हैं, तो y square plus b का value p divided by 2x है, आप ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 टू जा 4 एक्स वाई जेड इक्वल टू पी इंटू क्यू, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, पी इंटू क्यू को पहले लिखते हैं, इज इक्वल टू 4 एक्स वाई जेड, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। पी जो है वो डेल जेड बाय डेल एक्स को लिखे हैं, क्यू डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई को लिखे हैं, इज इक्वल टू 4 एक्स वाई जेड, ये आप देखिए एक इक्वेशन बन गया जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है, तो पार्शियल डेरिवेटिव जिस इक्वेशन में इंक्लूड होगा उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। किस इक्वेशन का बना, कौन सा रिलेशन था, z equal to x square plus a into y square plus b, इस रिलेशन का ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बनाए कैसे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करके बनाए। तो अगर जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे z इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, अब देखिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहां दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको जब इलिमिनेट करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। ध्यान दीजिएगा जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, अगर उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इस रिलेशन में, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अगर यहां दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता, तो ये फिर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। अगर यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, लेकिन वहां पर एक से अधिक डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है, वहां यूनिक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 2 है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर 1 रहता, तो एक से अधिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनता। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द रिलेशन जेड इक्वल टू दिस, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो रिलेशन है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी है, ए भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है,
हालांकि b जो है वो दो बार लिखा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले ये रिलेशन जो दिया हुआ है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, और इसके बाद इसको नंबर 1 दे रहा हूं। इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डेल z डिवाइडेड बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में a कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा क्योंकि ये y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये दोनों कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लिए हैं, डिफरेंशिएट हम लोग इसको कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा b into e to the power bx, डेल z बाय डेल x को हम लोग p लिखते हैं, a into b को पहले लिख रहा हूं, उसके बाद e to the power bx into sin by, इसको नंबर 2। फिर हम लोग इसको पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल z डिवाइडेड बाय डेल y इट इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x जो है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, a e to the power bx ये कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है sin by का b into cos by, डेल z बाय डेल y को हम लोग q से डिनोट करते हैं, पहले a और b, फिर e to the power bx cos by। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग को ये जो तीन रिलेशन आया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। अब कैसे एलिमिनेट करना है इसको थोड़ा सा आप सोचिए, देखिए यहां पर अगर ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो a b कट जाएगा, e टू द पावर bx भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट बचेगा जिसको बाद में फिर हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, डिवाइडिंग 1/2 वी गेट, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये p डिवाइडेड बाय q हो गया। आप थोड़ा यहां देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर bx से e टू द पावर bx कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच रहा है sin by डिवाइडेड बाय cos by, दैट इज इक्वल p by q इज इक्वल टू ये tan by। अब यहां पर हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है b, अब इसको इलिमिनेट कर देना है, तो इसको इलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए 1 का यूज करते हैं 2 में, फ्रॉम 2 से हम लोग देखिए 2 को ऐसे लिखते हैं, p इज इक्वल टू b को हम लोग पहले लिखते हैं b को, फिर लिखते हैं a e टू द पावर bx into sin by, अब 1 के यूज से देखिए कि इसका वैल्यू कितना है, z है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, p इज इक्वल टू b और इस पूरे को z, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, यहां से b का वैल्यू निकाल लीजिए तो b इक्वल टू हो जाएगा p डिवाइडेड बाय z। अब ये b का वैल्यू हम लोग 4 में पुट कर देंगे तो 4 इंप्लाइज p बाय q इज इक्वल टू 10 और b के जगह p डिवाइडेड बाय z इनटू y। तो आप देखिए यहां आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b जो था वो एलिमिनेट हो गया, ये p q y z का एक फंक्शन आ गया, तो यही रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जो गिवन रिलेशन था उस रिलेशन से ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो ये था आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम लोग कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अब हम लोग फिर आगे देखते हैं कि आर्बिट्ररी फंक्शन अगर दिया हुआ है रिलेशन में तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम द रिलेशन दिस। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन, इसमें आप देखते हैं फंक्शन भी है, आर्बिट्ररी फंक्शन भी है, एबीसी कॉन्स्टेंट भी है, एबीसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैसा कांस्टेंट है, यहाँ आर्बिट्ररी फंक्शन f है और उसी को इलिमिनेट करके बनाना है। तो आप ध्यान दीजिएगा आर्बिट्ररी फंक्शन को ही इलिमिनेट करना है, इस कांस्टेंट के बारे में कोई चीज नहीं लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, ये पहले इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, f ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस cz। अब
इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहां भी हम लोग दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट। तो सबसे पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसके लिए आप देखिए ये पूरे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का फंक्शन है, तो इसको पहले पूरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो f ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा इनटू, फिर अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल के अनुसार। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं चेन रूल से कर रहा हूं। तो पहले ये पूरे का फंक्शन था, पूरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, f हो गया, और फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो x स्क्वायर का 2x, ध्यान दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं पहले, तो x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर y कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा उसका 0 हो जाएगा, और z जो होता है वो x और y का फंक्शन होता है। तो इसको हम लोग z स्क्वायर को पहले z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2z होगा, z स्क्वायर को z के रिस्पेक्ट में 2z, और फिर z को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, पार्शियली कर रहे हैं तो डेल z बाय डेल x लिखेंगे। और इधर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a into 1 इसका 0 हो जाएगा, और c into z का डेल z डिवाइडेड बाय डेल x, दैट इज ये आ रहा है f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहां पर आप देखिए 2x प्लस 2z और ये डेल z बाय डेल x को हम लोग p से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू a प्लस c into p, नंबर 2 कर देते हैं हम लोग। फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एंड y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसी तरीके से जैसे x के रिस्पेक्ट में किए हैं, f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा इसका 0, प्लस y स्क्वायर का 2y और z स्क्वायर का 2z, और फिर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो del z डिवाइडेड बाय del y। यहां पर y के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं तो इसका 0 और b into y का 1 प्लस c into del z डिवाइडेड बाय del y। ये आप f डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जगह क्यों रहने दीजिए into, यहां पर आपका आ रहा है 2y प्लस 2z, और del z बाय del y को हम लोग q लिख सकते हैं, और इधर हो गया b प्लस c into q। आप ऐसा कीजिए ये 2 जो दोनों में है उसको भी आप कॉमन ले लीजिए, और यहां पर भी जो 2 है इसमें भी दोनों से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये जो फंक्शन है आर्बिट्ररी फंक्शन वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दोनों को डिवाइड करते हैं, नंबर 2 और नंबर 3 को डिवाइडिंग 2/3 we get, आप देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच रहा है x plus z into p divided by y plus z into q, y plus z into q is equal to, आप इधर देखिए a plus cp, a plus cp divided by b plus cq। तो आर्बिट्ररी फंक्शन जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, f जो फंक्शन है वो अब नहीं रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। लेकिन इसको थोड़ा और हम लोग आगे सिंपलीफाई करते हैं, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन राइट x plus zp into b plus cq is equal to y plus zq into a plus cp। ये दोनों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x into b, c into z into p into q। अब देखिए ये c into z into p into q यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सारे टर्म को आप इधर अरेंज कर दीजिए, p जहां से भी है वो कॉमन ले लीजिए, तो p यहां पर है ये z into b, और यहां पर p है आप इधर ले आइएगा minus c into y, फिर q जहां है उससे कॉमन ले लेते हैं q, तो q यहां पर है cx और q यहां पर है minus az,
और जो बाकी बचा है जिसमें P और Q नहीं है उसको राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ, ए वाई यहाँ पर है और ये उधर जाकर के माइनस बी एक्स, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आप देखिए जब आर्बिट्ररी फंक्शन को हम लोग इलिमिनेट किए हैं, ये आर्बिट्ररी फंक्शन था, इस आर्बिट्ररी फंक्शन को जब इलिमिनेट किए हैं तो इस फॉर्म में एक इक्वेशन आया, आप इसको ध्यान दीजिएगा, कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में है, जहां पर कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर क्या है, पी के जगह ये है, क्यू के जगह ये है सी एक्स माइनस ए जेड और आर के जगह ए वाई माइनस बी एक्स। तो ये कैपिटल पी जो होता है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, और जब हम लोग आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करके जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो इसी फॉर्म में निश्चित रूप से आएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो इसी फॉर्म में होगा। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लिंगराज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, लिंगराज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लिंगराज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका बाद में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। तो एक चीज का अभी आप ध्यान रखिएगा, बाद में इसका जरूरत पड़ेगा कि जब आर्बिट्ररी फंक्शन को इलिमिनेट करते हैं तो वो निश्चित रूप से इसी फॉर्म में इक्वेशन बनेगा, दिस इज कॉल्ड लिंगराज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं इस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन, इसका एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो z को अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है u के रिस्पेक्ट में, z को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ u एंड v, दैट वी से दैट z इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v, और अगर del z बाय del u निकालना है तो इसके लिए del z डिवाइडेड बाय del x, एक्चुअली z जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है, तो पहले z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर x को हम लोग u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, u के रिस्पेक्ट में लास्ट में करना है, फिर z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर y को डिफरेंशिएट करते हैं u के रिस्पेक्ट। तो इस फॉर्मूला से हम लोग del z बाय del u निकालेंगे। फिर से देखिए z को अगर u के रिस्पेक्ट में करना है, z u का कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले z को x के रिस्पेक्ट में और फिर x को u के रिस्पेक्ट में, फिर z को y के रिस्पेक्ट में और फिर y को u के रिस्पेक्ट में, लास्टली u के रिस्पेक्ट में करना है। और अगर del z by del v निकालना है, दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये v के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो बिल्कुल ऐसे ही z को पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं और फिर x को v के रिस्पेक्ट में, प्लस z को y के रिस्पेक्ट में करते हैं और फिर y को v के रिस्पेक्ट में। तो ये एक फॉर्मूला है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को u मान ले रहे हैं, लेट u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड v इक्वल टू z माइनस x y, इसको हम लोग u सपोज कर रहे हैं और इसको v सपोज कर रहे हैं, तो देयरफॉर गिवन रिलेशन बिकम्स f ऑफ u v इक्वल टू g। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, हम लोग करते हैं, ये u v का फंक्शन है और u और v फिर किसका फंक्शन है, x y का, और एक्चुअली v जो है वो x y z का फंक्शन है, लेकिन z भी तो x y का फंक्शन होगा, v इज इक्वल टू z जो है वो खुद x y का फंक्शन होगा। हम लोग पहले ही जो पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग z को डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं और z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y, तो v इज इक्वल टू z एक माइनस x y है, z x y का फंक्शन होगा और माइनस x इंटू वाई यहाँ पर है, तो लास्ट में v जो है वो टू ही वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, किसका होगा, x और y का। तो चलिए ये अब हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं, ये u और v का फंक्शन है और u और v x y का फंक्शन है,
तो हम लोग इसको u x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ध्यान दीजिए मैं अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया हूं उसी का यूज कर रहा हूं। पहले f को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और u को फिर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हैं, फिर f को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर v को x के रिस्पेक्ट में, तो और इधर क्या हो जाएगा जीरो। ध्यान दीजिए अब डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल यू, डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स अगर निकालते हैं तो x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा प्लस डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वी, और यहां पर भी को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो सबसे पहले भी को अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स होगा और माइनस इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y इज इक्वल टू जीरो। यहां क्या आ रहा है ये 2x डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल यू प्लस डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स को हम लोग p लिख सकते हैं, p माइनस वाई इंटू डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वी इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग रिलेशन नंबर टू कर देते हैं, इक्वेशन नंबर टू ये आप यहां रहने दीजिए। अब फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले f को u के रिस्पेक्ट में, फिर u को y के रिस्पेक्ट में, फिर f को v के रिस्पेक्ट में और फिर v को y के रिस्पेक्ट में, और इधर जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। पहले f को u के रिस्पेक्ट में, फिर u को y के रिस्पेक्ट में, f को v के रिस्पेक्ट में, फिर v को y के रिस्पेक्ट में, जो मैं फॉर्मूला भी डिस्कस किया हूं उस फॉर्मूला से। अब डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल यू यहां पर आप रहने दीजिए, u को y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए, u को y के रिस्पेक्ट में तो 2y होगा प्लस डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वी, और v को y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए तो इधर z को करना पड़ेगा तो डेल z डिवाइडेड बाय डेल y, और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस x इज इक्वल टू जीरो। ये 2y into डेल f डिवाइडेड बाय डेल u यहां पर रहने देते हैं और डेल z बाय डेल y को q लिख सकते हैं, q माइनस x डेल f डिवाइडेड बाय डेल v इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास दो रिलेशन आ गया है, एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है, ये दोनों रिलेशन से हम लोग इलिमिनेट कर लेंगे। किसको इलिमिनेट करना है, डेल एफ बाय डेल यू को, डेल एफ बाय डेल वी को, इसको हम लोग इलिमिनेट कर लेंगे, एक रिलेशन बना लेंगे। तो आप टू से देखिए, टू से हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर ले जाइए, टू एक्स डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल यू इज इक्वल टू, ये उधर जाकर के नेगेटिव होगा, पी माइनस वाई डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल यू। अब देखिए यहां पर ये उधर हम लोग ले रहे हैं, नेगेटिव हो गया और इसको नंबर हम लोग फोर कर देते हैं। फिर थ्री में भी यही काम करते हैं हम लोग, थ्री में टू वाई डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल यू इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस एक्स डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल यू इक्वल, इसको नंबर हम लोग फाइव कर देते हैं। अब ये हम लोग इलिमिनेट करना था डेल एफ बाय डेल यू, डेल एफ बाय डेल वी, एक्चुअली एस जो है वो आर्बिट्री फंक्शन है, इसी को इलिमिनेट करना है। तो आप ऐसा कीजिए ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फोर डिवाइडेड बाय फाइव, तो आप ये देखिए इधर कैंसिल हो जाएगा, टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और यहां पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डेल एफ बाय डेल वी कैंसिल हो गया, पी माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्यू माइनस एक्स, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्यू माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू पी माइनस वाई इंटू वाई। अब आगे लोग यहां पर आते हैं, ये एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू पी माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई पी को आप इधर ले आइए, माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स इंटू क्यू, और ये उधर ले जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो y into p plus x in minus x into q is equal to y square minus x square. अब देखिए ये भी जो है वो किस फॉर्म में है, कैपिटल p into small p plus capital q into small q equal to r के फॉर्म में है. अब कैपिटल p की जगह देखिए कैपिटल p जो है वो y के इक्वल है, कैपिटल q जो है वो माइनस एक्स के इक्वल है और कैपिटल r जो है वो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है. तो ये बाद में आप लोग को जरूरत पड़ेगा, मैं ये बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में अगले वीडियो में. तो ये लिग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है और ये फॉर्म हो गया हम लोग को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यही आंसर हो जाएगा, आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने. तो फ्रेंड्स ये हमारा था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का. तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप आगे भी हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी आप टच कर दीजिए, उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कोई भी नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालते हैं तो. और थैंक यू.